ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले छात्रों की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए हमीरपुर के ईरा प्लस एजुकेशन ने राह दिखा रहे हैं। हमीरपुर के गांधी चौक पर ईरा प्लस एजुकेशन में विदेशों से MBBS करने के लिए विशेष काउंसलिंग की जा रही है। ईरा प्लस के निदेशक पारस ने एस टूडे के साथ बातचीत में साझा की विभिन्न जानकारियां। देखते हैं विशेष मुलाकात की कुछ झलकियां। नमस्कार, एस टूडे के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ईरा प्लस एजुकेशन के ऑफिस में, जिसके फाउंडर हैं पारस जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि ईरा प्लस एजुकेशन है क्या और उसमें बच्चों को क्या क्या करवाया जाता है। स्वागत है आपका पारस जी एस टूडे चैनल में। तो पारस जी बताइए कि मतलब ईरा प्लस एजुकेशन है क्या और उसमें बच्चों को क्या क्या करवाया जाता है। जो हमारी कंपनी है ईरा प्लस एजुकेशन लिंक, उसमें बच्चों को बेसिकली जो एब्रॉड की एजुकेशन होती है, हमारे MBBS कोर्स हैं मेडिकल के, प्लस एविएशन के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, उनमें बच्चों को एडमिशन गाइडेंस दी जाती है कि बच्चों को वहाँ पे एडमिशन किस तरह लेनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की वहाँ पर ज़रूरत होती है। और पारस जी, जब बच्चे आपके पास आते हैं तो उनके लिए मतलब क्वेरीज क्या क्या रहती हैं? क्वेरीज बच्चों की बेसिकली यही रहती है। मान लो कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसकी क्वेरीज ये रहती है कि सर वहाँ पे पहले से कितने इंडियंस बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ की ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस अफोर्डेबल है, वहाँ पे फूडिंग का क्या एक्सपेंस रहता है, और वहाँ पे जो इंडियन बच्चे हैं कितने नंबर्स में पढ़ रहे हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा उनको थोड़ा सा मतलब इंडियन कल्चर मिल जाए उनको देखने को वहाँ पे, और वहाँ पे थोड़ा सा उनको पढ़ने में आसानी हो जाए इंडियन स्टूडेंट के साथ। और पारस जी, जैसे मतलब ईरा प्लस एजुकेशन में जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं और जो एडमिशन डेट है वो कब से कब तक है? बेसिकली जो एब्रॉड एजुकेशन के लिए जो हमारे MBBS कोर्स हैं और प्लस हमारे एविएशन के, इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, उनमें डॉक्यूमेंट बच्चे का जो 10th क्लास की जो हमारा सर्टिफिकेट होता है बच्चों का, 12th का सर्टिफिकेट होता है, और पासपोर्ट, ये तीन डॉक्यूमेंट हमें इनिशियली पहले ये चाहिए होते हैं, इनकी स्कैन कॉपी चाहिए होती है। उसके बाद हम ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद इनकी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वहाँ पर की जाती है, मतलब जो जिस भी कंट्री में बच्चा जा रहा है, रशिया में जा रहा है, तो रशियन फेडरेशन के थ्रू उसकी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की जाती है। उसके बाद बच्चे का वहाँ से यूनिवर्सिटी से प्रोसेस शुरू होता है, जैसे इन्विटेशन लेटर का, एडमिशन लेटर का, उसके बाद बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से शुरू होती है। और पारस जी, जैसे बच्चों के लिए ईरा प्लस एजुकेशन में फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ? हाँ, अगर स्कॉलरशिप का कहा जाए तो हमारी कंपनी के थ्रू जो है, तो हमने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं स्पेशली हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल की दो डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है, एक तो हमीरपुर में और एक हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट है इस एग्ज़ाम की 13th of May से 13th of June तक स्टार्ट रहेगी, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 16th of June को होगा, जिसका टाइम पीरियड 2 आवर्स का होगा, और ये सुबह मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम रहेगा। उसमें हम जो हमारे पहले टॉप 50 स्टूडेंट होंगे बाहर जाने के लिए, हमें ये यूनिवर्सिटी की तरफ से डिमांड आई है बाहर से कि जो हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट यहाँ से जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनको हम अप टू 80,000 तक स्कॉलरशिप देंगे। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट जो मैंने आपको बता दी है, ये स्टार्ट 13th of June से हो जाएगी। और जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है APMSC.in, एब्रॉड प्री मेडिकल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, बच्चे वहाँ पे जाके गूगल से इसको थ्रू आउट कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके अपना अप्लाई ऑनलाइन में जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, और हमारे पास आए जैसी डिटेल आ जाएगी, बच्चे को विद इन 1 वीक मीन्स एंड में, जो अब हमारा रजिस्ट्रेशन डेट है जून में बच्चे को हमारा रोल नंबर प्लस वहाँ का उसका जो सेंटर होगा एग्ज़ाम का, वो वहाँ से वेबसाइट के थ्रू डिक्लेयर कर लिया जाएगा, और बच्चा वहाँ जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आके एग्ज़ाम देगा। और जो टॉप 50 होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टॉप 50 होंगे उनको अप टू 80,000 तक हम स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, धन्यवाद पारस जी आपका। तो ये थे पारस जी, जिनसे आज हमने जाना कि ईरा प्लस एजुकेशन है क्या और उसमें बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद।